मेले मांग के लाए थे का ये पूरी सब्जी भूख लग गो लग भूखी तो गई खिलावे आयो ए तो गई हूं मैं अरे तो तुम्हारा मांग के लाओ मैं गई हूं मारा मन में गई मना रहा हूं तो मोड़न की कोई इज्जत ना रही सही मैं बिल्कुल ही इतनी बेइज्जती भैया मोड़न की बहुत ज्यादा यहाँ इन्हें कब मिलो ना खावे को और मैंने अभी देख कौर मुंह में ना दो अभी तक मैंने भी ना कहाँ जा रहा है जूते पहन के ये नीचे जूते क्यों पहने ये तूने इतनी गर्मी में गर्मी तो हो रही है क्यों पहने अच्छा गर्मी में पहनते हैं सर्दी में क्या पहनते हैं फिर सर्दी में कौन टंगाते हैं चांटा पड़ जाएगा भी नहीं वो तो पहनते हैं काले काले जूता उतार चलो टमनी में अब जूता उतार दे वैसे भी काम ना है रमो तेज वाले टमनी में मोचा और टमनी में काले काले मोचा हां जूता उतार दे वैसे भी काम मुझ पे होना रही और काम फैला रहा मेरे लिए और जहाँ से निकाले वहीं रखियो ठीक है ये देखो वैसे भी काम नहीं हो रहा है और ये काम पे काम फैल गया कूलर का पानी फिर से निकल गया वो तो अच्छा है कि दरवाजे के पास रखा है कूलर तो ज़्यादा इतनी नीट ना करनी पड़ रही अगर वहाँ अंदर की साइड पहले अंदर की साइड रखा था कोने में फिर भी तब भी ऐसे पानी फैलता था तब तो पूरा कमरा ही धोना पड़ता था साफ ही हो जाता था वो बताओ बस यही काम है कि किसी से अगर फ़ोन पे बात करने लग जाओ ना तो फिर इतने मतलब भूल जाते हैं कि हमने कुछ और भी काम करने के लिए रखा था पर लेकिन चलो कोई नहीं अब तो कूलर भर गया बहुत अच्छा गर्मी के दिन है तो जल्दी सूख भी जाता है और अभी कपड़े पड़े मशीन में वो भी धोना है तो ये देखो कपड़े भी धुल चुके हैं और आज है बृहस्पतिवार को कपड़े धो लिए मतलब जानबूझ के नहीं धोए भैया मैंने क्योंकि ज़रूरत थी इसलिए धो दिए और एक आध बार से कुछ नहीं होता धो दो तो कोई टेंशन नहीं अभी एक बार को सूख गए हैं और ये फिर डलेंगे दोबारा केसु कहाँ लेटे वो फ्रिज में काहे को अब मुझे हवा नहीं आती यही यूँ कह रहा है कि मुझे हवा नहीं आ रही चलो फ्रिज में लेट जाता हूँ क्यों फ्रिज में सोएगा फ्रिज में नहीं तो बीच में फ्रिज में अब बीच में अच्छा बीच में मैंने समझा फ्रिज में लेटेगा नहीं बीच में पता ही नहीं चलता फ्रिज में या बीच में तू कब बोलना सीखेगा मुझे ये लगा कि फ्रिज की बात कर रहा है लेकिन ये बीच में बोला बीच में और मैं अभी आई हूँ थोड़ी देर पहले बाज़ार से अभी टाइम है रहा है रात का 8 बज रहे हैं और आज है गंगा दशहरा जो कि मेला भी लगा था मुझे पता ही नहीं था कि आज का मेला भी लगा है सच बताऊँ तो भूल गई मैं जब बाज़ार गई ना तब पता चला वहाँ से कि मेला भी लगा है आज नहीं तो मेला चाहते घूमने तन्नु चलता ना हाँ तन्नु की तबीयत सही नहीं है ख़राब हो गई लूज मोशन हो गया उसे और अभी अभी बाज़ार से आई मैं सब्ज़ी वगैरह लेने के लिए गई थी तो वो लेकर आई कपड़े वगैरह सारे धुल चुके हैं और डाल भी गई थी तो वैसे आप लोग कहोगे कि बृहस्पतिवार को कपड़े तो धोती नहीं है धोती हाँ वास्तव में नहीं धोती हैं तन्नू के कपड़े मान जाओ ना कोल केशु तन्नू के कपड़े दो जोड़ी हो गए थे फिर एक जोड़ी वो पहनता फिर वो भी कल उतरते फिर वो कल क्या पहनता उसकी वजह से मैंने कहा चलो धोकर ही डाल देती हूँ फिर एक दिन में कुछ नहीं होता एक बार में और तबीयत थोड़ी बहुत नहीं बहुत ठीक हो चुकी है और आज मैं बहुत सोई सही में बहुत ज़्यादा सोई और दो तीन लोगों के फ़ोन आए मैंने कहा उठाऊँगी नहीं आज यार परेशान कर देते कभी फ़ोन वाले कभी कोई तो मैंने कहा उठाऊँगी नहीं आज मैं सोऊँगी मैं आराम से तो मैंने किसी का फ़ोन नहीं उठाया आज मैं खूब मज़े से सोई मैं और अभी खाना पीना कुछ भी नहीं बना कुछ भी मैं वैसे ये सोच रही थी कि शाम को कुछ बनाऊंगी अलग से बढ़िया सा पर लेकिन तन्नु की तबीयत खराब है लूज मोशन हो रहा तो मैं उसे कुछ ऐसा कुछ नहीं खिलाऊंगी कि और ज़्यादा बिगड़ जाए वैसे वो कह रहा था दाल डाल के जो खिचड़ी बनती है ना उसकी फिर वो बोला कि रहन दे अब पेट भरा हुआ मेरा तो मैंने सुबह बना दूँगी कैसी हंसी आ रही है
और अरे 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 और मेरे पास कमेंट आ रहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं तो जो होती डोसा मंगवा लो। यार मंगवा लेती ऐसी कौन सी बड़ी बात है, पर लेकिन ये भी ये कहते कि हाँ ये रोज रोज डोसा डोसा नहीं हो पाता, मतलब मैं तो मंगवाना चाहती थी मैं आ जाता पर लेकिन रन के रहने और मैं अच्छे तू ताने इसे तो बस वही डायलॉग सूझा रहता है। और ये अभी आए नहीं है, देखो कितने बजे तक आते हैं, शायद इनका पता रोज का टाइम हो गया 9 बजे, 9 बजे का टाइम हो गया क्योंकि गर्मी है, बड़े दिन पड़ते हैं तो टाइम का पता नहीं चलता कब आया कब निकला। एक महीने मामा। लेकिन गर्मी के वजह से बहुत बुरा हाल है, सच में बहुत गर्मी है, कूलर पंखे तो पता ही नहीं चल रहा चल भी रहे या नहीं चल रहे है, तो क्या कर रहा है ये। अरे 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 देख पागल हो गए, तो आज पागल हो गया। बस 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 अब कूलर का पानी बताओ ऐसा फैल जाता है, ऐसा निकल जाता है, बात ही बातों में कुछ मतलब बात कर रही थी और निकल गया। मैंने कि ये याददाश्त पता नहीं कैसी हो गई है, छोटी छोटी चीजें मतलब बिगड़ने लग गई, अब तो काम बिगड़ने लग गए। और अभी मैंने थैला भी खाली नहीं किया सब्जी का, बस आके थोड़ा रेस्ट किया, लेट गई मैं क्योंकि थकान ऐसी हो गई ना, शरीर ऐसा कमजोर सा हो गया है कि पता नहीं कि क्या हो गया। और मैंने ना बाल भी ढंग से काटे भी नहीं है, ऐसे ही ऊपर ऊपर काट के चलेगी जल्दी जल्दी में। क्या कर रहा है, मैंने कहा घर में पड़ी रहूंगी तो और ज्यादा बीमार से लगूंगी, मैं थोड़ा चलो बाहर घूम कर आती हूं। तू नहीं तकता। हेलो गाइस, मैं हूं अच्छे और मैं हूं अटू तेरे तेरा मामा है, और तू कौन है, तेरा मामा है वो हट चल केसु ना हो तो मेरा काम ही नहीं हो है केसु, कितना नहीं कमरे में मत लगा तू भारी लगा, केसु कितना काम करता है बताओ बेचारो, ये नहीं हो तो काम ही नहीं हो। और ये दूसरे दिन का क्लिप है शुक्रवार का, तो आज शुक्रवार को मैंने पूरी सफाई कर दी कमरे की, इनकी छुट्टी भी थी आज की तो ये भी करवा देते हैं साथ में काम मतलब। और कुछ लोग बोलते हैं कि ज़बरदस्ती से काम कराती है ज्योति अपने हस्बैंड से अपने पति से, ऐसा कुछ नहीं है ठीक है, कोई भी आदमी ज़बरदस्ती से काम नहीं करता घर पे। एक बार को हाँ औरत आदमी ज़बरदस्ती करवा सकता है औरत से, लेकिन औरत कभी ज़बरदस्ती नहीं करा सकती आदमी से काम, उनका खुद का मन होता है तो करते हैं, नहीं मन होता तो नहीं करते। और ये पीछे की ना ये जो जाली है ना कूलर की बहुत गंदी हो रही थी, ये तो खुलती भी नहीं है, दो खुल जाती है तो वो साफ़ कर रही है यही जाली कूलर की, तो वो मुझसे साफ़ होती भी नहीं है, पता नहीं क्यों रगड़ रगड़ के और ठोक ठोक के वही कर रहे हैं। मैंने कहा भाई मैं नहीं कर रही इतनी देर में, मैंने कहा तुम साफ़ करोगे ना तो मैं बाकी का काम और निपटा दूँगी, तो ये कह रहा ठीक है। इन्होंने ही साफ़ की है, जब तक जितनी बार कूलर साफ़ किया है ना तो जाली इन्होंने ही साफ़ की है, तो कूलर मेरे यहाँ साफ़ हो चुका है। फ्रिज भी बहुत गंदा पड़ा हुआ था, जब से मैं गाँव से आई हूँ ना तो फ्रिज और ज़्यादा गंदा हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको भी लग गया साफ़ कर दे रही हूँ। और अभी कमरा वगैरह धोना है, वो भी बहुत गंदा हो गया, इतनी डस्ट हो गई है ना पूरे घर में कि टिका नहीं जा रहा। अब तो कहते हैं ना एक अलग सी घुटन होती है गंदगी में, मतलब फिर वही हो रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई अब नंबर लगा ही देते हैं साफ़ का। और यहाँ पर अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो आज का तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो चलिए फिर वीडियो का कर देते हैं एंड, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।